नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी मनीष सिसोदिया के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 10 मई को सुनवाई करने का फैसला किया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शनिवार को कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए यह फैसला सुनाया है। साथ ही ईडी को आदेश दिया है कि वो केस से जुड़े सबूत जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और सभी दस्तावेजों को 8 मई तक कोर्ट में जमा करें। आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने 2000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई भी चार्जशीट दायर कर चुकी है, जबकि गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब नीति को लेकर कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस भेजा। सिसोदिया ने हाईकोर्ट में नियमित और अंतरिम दोनों जमानत के लिए याचिका दायर की। उन्होंने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है और इसको लेकर 6 सप्ताह की जमानत मांगी। लेकिन इससे पहले ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच को लेकर ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। लेकिन अब मनीष सिसोदिया पर 10 मई को सुनवाई होगी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बड़ी खबर पर तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक आप देखते रहिए एक्सपीएन 9 न्यूज़।